हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। यानी पिछले क्लास में हमने जो है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें उसके लिए एक क्वांटिटी को पढ़ना जरूरी है, वो है मेरे पास में एरिया। अब आप बोलोगे सर हमें एरिया के बारे में तो पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन भी होती है? अगर आपको नहीं पता एरिया के बारे में तो आज आपको पता चल जाएगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एरिया वेक्टर को, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ध्यान से देखना कि ये मैंने लिया है एक एग्जांपल, ये मेरे पास में रेक्टेंगल है PQRS, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल अगर किसी 10th के बच्चे को पूछूं कि बताइए कि जो है वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है उसके एरिया का, तो आंसर देगा क्या, एरिया हो गया क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। बिल्कुल सही है। यही अगर मैं किसी 11th-12th वाले बच्चे को पूछूं कि बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, तो वो आंसर देगा क्या, PQ×QR। क्योंकि आपको पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या देता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो क्या आएगा, PQ×QR, ठीक है। और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो क्या होगा, ये PQ क्या है मेरे पास में, ये L लेंथ है और QR मेरे पास में क्या है, B है, ठीक। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे कि अगर मेरे पास में अगर कोई वेक्टर है R, अगर वो किसी दो के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है, यही तो आता है AB sin थीटा। आ रही बात समझ में? अब यहीं पे बात कर लेते हैं, तो थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। बिकॉज देख लो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन 90। सो देखो साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन दोनों ही क्या है, अपने अपनी जगह सही है, लेकिन इसने तो नॉर्मली बता दिया, लेकिन ये क्या वेक्टर फॉर्म में, तो फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए इस एरिया की। तो देखो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जो आप किसी भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसके अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपने हाथ को ऐसा रखेंगे और इस PQ को घुमाएंगे किसकी ओर, QR की ओर। तो देखो ये जो मेरी फिंगर्स है वो इस तरफ आ रही है, देखो PQ×QR। तो जो ये थंब है वो क्या बताएगा, इस एरिया की डायरेक्शन को बताएगा। आ रही बात समझ में? तो थंब का आ रहा है जस्ट इस, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। आ रही बात समझ में? इस तरीके से अंदर भी हो सकता है ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं QR×PQ। आ रही बात समझ में? तो ये भी बताऊंगा कि 2D के लिए क्या होता है, लेकिन अभी साहब आप सबसे पहले ये सोचिए, अगर मैं मेरे हाथ का ऐसे रखता हूँ PQ और इसको घुमाता हूँ मैं किसकी ओर, QR की ओर, तो जो ये थंब है वो मुझे क्या बताएगा, इस एरिया की डायरेक्शन को बताएगा। और ये क्या है मेरे पास में, देखो ये एक प्लेन है, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। तो जो डायरेक्शन है वो क्या है मेरे पास में, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, जिस भी आप प्लेन के सरफेस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो ये मेरे पास में जो एक प्लेन है, कौन सा प्लेन, XY, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर, ठीक है ना। इसी तरीके से अंदर भी हो सकती है, जब हम क्या इसको QR×PQ लिखेंगे तब, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेट्यूड में तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, ठीक है। अब इस तरीके से देखो एक एग्जांपल देखो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन को तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ डायरेक्शन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर कौन सी जो एक्सिस है, जेड तो है, हालांकि 2D है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा। जेड क्या होगा, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, के कैप से लिखूंगा। ये आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, वाई में क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं, और जेड में क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। और इस तरीके से अगर अंदर की ओर होगी तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस के कैप लिखेंगे। अरे बात समझ में? बिकॉज ये तो आउटवर्ड्स है, और फिर ये क्या होगा, इनवर्ड्स। अगर हम आउटवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड्स को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास में XYZ जो है वो एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने क्या रखी, एक सर्कुलर प्लेट रखी है। ये मेरे पास में क्या है, सर्कुलर प्लेट है। अब आपको
पूछा है कि बताइए इसके एरिया की डायरेक्शन क्या है, इसके एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो एरिया तो आपको पता चल गया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब ये इसका प्लेन है, तो इसका प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा, अरे बात समझ में, पर कौन सी डायरेक्शन देखो, वाई। तो यहां इसके लिए क्या लिखूंगा, जी क्या। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, तो इसके लिए क्या आएगा मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर माइनस जी क्या। अरे बात समझ में, ये तो बता रहा है क्या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और ये क्या परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में जी क्या, और ये क्या माइनस जी क्या, तो दोनों ही सही है, ठीक। तो यहां से एक नोट पर निकल के आता है, फॉर ओपन सरफेस, अरे बात समझ में, कौन सरफेस, ओपन सरफेस, और ओपन सरफेस को हम बोलते हैं कौन सी सरफेस, 2D सरफेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो बोथ इनवर्ड्स भी होती है और आउटवर्ड्स भी होती है, ये आप दिमाग में रखना इस चीज को, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम 3D सरफेस की। ये जो एग्जांपल लिखे मैंने, ये सारे कौन से है, 3D, ठीक है। ये मेरे पास में क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो इसके मैं कुछ सरफेस सेलेक्ट करता हूं, एक ये सरफेस ले लिया मैंने, ये वाला, ठीक है, एक ये सरफेस ले लेता हूं और एक ये वाला सरफेस ले लेता हूं, इस तरफ वाला ना, जो इस तरफ है, ये वाला, एक ये सरफेस ले रहा हूं, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो क्लोज सरफेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 3D सरफेस, और उनके लिए जो डायरेक्शन होती है एरिया की वो होती है क्या, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, ओनली क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है, ध्यान रखना। सिर्फ 2D के लिए हम जो है वो इनवर्ड्स भी ले सकते हैं और आउटवर्ड्स भी ले सकते हैं, बट 3D के लिए हम क्या लेंगे, ओनली फॉर आउटवर्ड लेंगे, और वो भी कौन से, नॉर्मल। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी, ठीक है ना, ये देखो ये इसके इस डायरेक्शन। अब नीचे थोड़ी जाएंगे, इसके अंदर थोड़ी जाएंगे हम, आ रही बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, इसके आउटवर्ड लेंगे 3D सरफेस में। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, इस सरफेस के लिए जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये किसकी डायरेक्शन से, अरे एरिया की डायरेक्शन, ठीक। और अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, ये आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये बताया मेरे पास में क्या है, क्यूब, ये मेरे पास में क्या, सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखिए कैसे, और ये मेरे पास में क्या, स्फीयर। अब देखो सिलेंडर में आपको कितनी सरफेस दिख रही है, 3 सरफेस है, ठीक। एक तो ये रही अपर सर्कुलर सरफेस, एक ही लोअर सर्कुलर सरफेस, और एक ही कौन सी, कर्व्ड सरफेस। इस तरीके से अगर देखो, अगर आप इसमें एक सिलेंडर मानते हो तो एक तो ये सरफेस हो गई इसके ऊपर वाली, एक ये वाली सरफेस हो गई, और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गई। तो इनके एरिया की बात करें तो इस सरफेस की तो जो एरिया का होगा क्या होगा, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी जस्ट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और अब कर्व सरफेस की बात करें इसके लिए क्या होगा, इस तरह। तो ये सारी क्या है, एरिया की डायरेक्शन। एरिया हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शन होती है वो एरिया की क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, जो भी आपको उसका प्लेन सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब बात करें इस स्फीयर की, अब स्फीयर पे देखो, अगर मैं यहां बात करता हूं इस जगह पे, तो ये इसके परपेंडिकुलर, इस जगह बात करता हूं तो ये इसके परपेंडिकुलर, यहां बात करता हूं तो ये इसके परपेंडिकुलर, और ये सारी कहां से जाएगी, ये सारी इसके सेंटर से होकर जाएगी, ध्यान रखना। इस जगह बात करते हैं तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यहां बात करें यहां परपेंडिकुलर। तो बस ये ध्यान रखना कि सरफेस पे, अरे बात समझ में, जो एरिया की डायरेक्शन होती है प्लेन सरफेस पे वो क्या होती है, जस्ट परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। और इस तरीके से अगर मैं 2D सरफेस की बात करूंगा तो डायरेक्शन बोथ इनवर्ड्स भी हो सकती है और आउटवर्ड्स भी हो सकती है, और इस तरीके से अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो वो क्या हो सकती है, ओनली फॉर आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो बस इतना बताना था मुझे एरिया वेक्टर के बारे में, तो फटाफट इस चीज को नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अभी हमने जो एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल है क्या, फाई ई, ठीक है ना, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए हम जो यहाँ पे ई लिखते हैं। आगे आएगा जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको जो है फाई बी लिखेंगे, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास सिंपल है इसका फाइव। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलरली। इसको देखो मैंने एक बॉक्स में बंद किया है, इसका बड़ा मीनिंग क्या रखना, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एक ही बात है। थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। समझाता हूँ इसको, देखो मेरे पास में कोई सरफेस है, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर जो निकल रही है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर निकल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? देखो इस डेफिनेशन को तो मैं भी समझाऊंगा, दोनों ही जो है वो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन इसको समझते हैं पहले। तो क्या डेफिनेशन है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखना, मान लो मैंने कोई एक सरफेस ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके एरिया, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि मान लो कि ये सरफेस कुछ इस तरीके से, ठीक, तो इसके एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो जस्ट इसके परपेंडिकुलर निकल रही है, तब देखिए इस एरिया से जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर निकल रही है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो तीन तो निकल रही है, कितने निकल रही है, देखो 1, 2 और 3 निकल रही है, बाकी तो बाहर से निकल रही है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हुआ यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, एक्चुअली में किया क्या है, यहाँ पे मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, यानी कि मैंने बढ़ा दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, चार्ज बढ़ाने से, बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R², चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ज को बढ़ा दिया, तो चार्ज बढ़ाने से क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हुई, इस एरिया से निकल ली, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हुई, इस एरिया से निकली। अब बताओ यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स जो है वो कितना है, 5, ठीक है ना। लेकिन हमें लेनी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेनी है, जो नॉर्मली और परपेंडिकुलर हो किसके एरिया की, ये ध्यान रखना, इसलिए जो है वो मैंने पहले एरिया वेक्टर बताया, ठीक है ना। अभी एक तीसरा केस भी आएगा जिसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया की परपेंडिकुलर में होगी, कोई एंगल बना रही होगी, उसकी बात करूंगा बाद में, ठीक। तो यहां से क्या पता चला कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स भी बढ़ गया। नाउ अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहां पे मैंने जो है दो सरफेस एरिया लिए, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया, यानी कि मैंने क्या किया, इस सरफेस को बढ़ा दिया। तो देखो सरफेस बढ़ाने से क्या फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या फ्लक्स में चेंज आएगा वो देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, तो इस सरफेस से देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो 3 निकल रही है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हुआ, 3। अब यहां पे आता है, तो यहां पे मैंने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाया तो लगभग देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब यहां पे जो फ्लक्स आया वो कितना आया, 6। तो क्या किया मैंने यहां पे, एरिया बढ़ाने से भी क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ गया। तो यहां से ये पता चला कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। आर यू समझ में? तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है और एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा या बढ़ेगा, ठीक है। इस पे आ जाइए, इस पे आइए, ठीक है। यहां पर देखते क्या होगा, यहां पर फ्लक्स कितना है, तो ध्यान से देखना इसको कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है ना, ये सामने है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, और एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ध्यान से देखो एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे निकल रही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। अब मुझे ये बताओ क्या इस एरिया के अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकल रही है ना, एरिया के परपेंडिकुलर कहा है, नहीं है ना, ये तो सीधा है, ये तो मेरे पास में एरिया की डायरेक्शन ये वाली है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, बट यहाँ पे क्या था, देखो जो एरिया की डायरेक्शन है इस तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या हो रही है, इसको चीरते हुए निकल रही है, मतलब कि जस्ट इस एरिया की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर निकल रही है, तो वही तो हमने यहाँ पे ली, लेकिन यहाँ पे तो देखो जस्ट उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया की डायरेक्शन ऐसे,
तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर निकली? जीरो। तो अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकली तो इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना आ गया? जीरो। ये चीज ध्यान इसमें आ जाता है। अब ऐसा सोचा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पे निकल रही है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा? क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकलेगा, या अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है दो, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसमें अगर मैं तोड़ दूं, यानी एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, तो जिस तरफ थीटा होता है आपको पता है कि वहां क्या होता है? कॉस। और इसके अपोजिट क्या होगा? साइन। अब आप खुद बताइए दोनों में से फ्लक्स किसकी वजह से होगा। और डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो देखिए ये एरिया की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा? ई कॉस थीटा की वजह से होगा, ई साइन थीटा की वजह से नहीं होगा। बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेते हैं वो कौन से लेते हैं? नॉर्मली लेते हैं या परपेंडिकुलर लेते हैं जो एरिया के हैं। तो यहां से जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ई कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो यहां से जो फॉर्मूला निकला, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो क्या ये कुछ इसी तरीके से है? फाई ई ए कॉस थीटा। अरे बात समझ में? तो देखिए, तो यहां से देखिए आप फाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया? ई ए कॉस थीटा, यही तो आया, ठीक है ना। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया ई कॉस थीटा, तो ई तो एक बार ही लिखूंगा मैं यहां पे, ई ए कॉस थीटा। आपको पता है कि कॉस कौन से प्रोडक्ट में आता है? स्केलर प्रोडक्ट में आता है। सो यही डेफिनेशन है ये वाली। तो देखो क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखो आप, आ रही बात समझ में? तो ये तो आपने समझ ली, ठीक है ना, इस चीज में फील करवा रहा था, आ रही बात समझ में? और ये भी सही है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो छोड़ो, ठीक है ना। ये तो यहां से क्या फाइल इक्वल टू ए कॉस थीटा, और कॉस किस में आता है? स्केलर प्रोडक्ट में आता है, आ रही बात समझ में? अब अगर बात करें फ्लक्स, तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? डॉट प्रोडक्ट, यानी कौन सा? स्केलर। तो ये मेरे पास में कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब इनटू एरिया, किसमें होता है? स्क्वायर में। तो ये मेरे पास है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये है फ्लक्स की यूनिट, और एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में हम जो काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो अच्छे न्यूमेरिकल। सो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेस्ड इन एरिया जो आपको गिवन है। तो फ्लक्स निकालना है, सफाई इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है? E dot A। अब यही क्यों? क्योंकि आपको E और A आपको डायरेक्टली दे रखा है, हम क्या करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सो वैल्यू रखते हैं हम सीधी सी इसमें, तो E की वैल्यू दे रखी है हमें 200 I cap plus 300 G cap, ठीक है। और एरिया 5 into 10 की पावर minus 3 G cap, ठीक है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1, सो 200 I cap को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 200 I cap मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कितना, इसको हम ले लेते पहले ना, 200 इंटू 5 ये हो जाएगा आई कैप और जी कैप, ये एक साथ रख दिया ना, फिर प्लस, फिर अपने पास में 300 इंटू 5, अच्छा ये भी तो है ना, अभी 10 की पावर 3 भी, सॉरी सो 10 की पावर माइनस 3 ये हो जाएगा आई डॉट जी। सो 300 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जे डॉट जी, ठीक है। अब ये चीज आपने 11th में पढ़ी है कि आई डॉट जे जीरो होता है और
i डॉट i 1 होता है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना, i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1, तो आपने ये लोग पढ़ा है इस तरीके से i डॉट j, तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बिकॉज़ इसके कारण, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1500 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर माइनस 3 और ये मेरे पास में z और z 1 हो जाएगा। अब देखो यहां से मेरे पास में ये भी चीज लिखी हुई है अभी वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनकी यूनिट 3 है, तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा ऐसे तो 1.5 ये हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, सो फ्लक्स मेरे पास में निकल के आ रहा है कितना 1.5 वोल्ट इनटू मीटर। अब आप लोग ऐसे ये यूनिट क्या है, अच्छा मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दो यूनिट होती है, एक तो मैंने बताया था न्यूटन पर कूलम और दूसरी ये बताई थी मैंने वोल्ट पर मीटर, और मैंने कहा था कि इसका मैं जिक्र करूंगा अगले चैप्टर में, तो जो आपका थर्ड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां इसके बारे में बताऊंगा। तो एक यूनिट ये भी होती है फ्लक्स की, आप याद रखना क्या, वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है, वो तो अभी बता ही मैंने न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम वो तो है ही, लेकिन ये भी याद रखना क्या होती है वोल्ट पर मीटर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये होती है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आप न्यूमेरिकल को एक साथ पूरा मत पढ़ो, आप पहले एक दो लाइन पढ़ो उससे आप विजुलाइज करो, आप इमेजिन करो क्या चीज है। तो देखो सर्कुलर शीट बोला है, मैंने सर्कुलर शीट बना ली है, ये मैंने सर्कुलर शीट बना ली, ठीक है, जैसा इसने बोला था ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोला है प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ऑफ 5×10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, तो यहां पर हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, वो दी कितनी 5×10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक, सच दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। अब जो है सर्कुलर शीट का जो प्लेन है, तो प्लेन तो यही है इसका, जैसे सर्कुलर शीट है इसका प्लेन, तो इसका प्लेन है, इसका प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो मान लिया कि ये जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी और ये इसका प्लेन और ये इसके साथ में कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्या पूछा आपको, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, अब आपको इस शीट से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर ई ए कॉस थीटा, ये तो बोलोगे बिकॉज एंगल दे रखा है, समझा लेंगे ई ए कॉस थीटा बनाएंगे, ठीक। अगर मैं ए पूछूं क्या एरिया, तो सर्कल सर्कुलर शीट है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और कॉस 30, आपने जैसे ही यहां पर 30 रखा आपका आंसर आएगा गलत। अब देखिए क्यों, मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई थी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी चाहिए जो एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर हो, यानी जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन के अलोंग हो, वही हमें चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि इस सर्कुलर शीट का प्लेन, इसका सरफेस एरिया, इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या है, तो ये तो इसका प्लेन हो गया, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन तो ये है ना, ये एरिया की डायरेक्शन है, और हम एंगल कौन सा लेते हैं, ये फॉर्मूला है ना देखो ई ए कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, तो मुझे ये बताइए ये एरिया किसके बीच, सॉरी ये एंगल किसके बीच में, ये तो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है ना, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमें ये चाहिए, तो ये 30 है तो बताओ ये कितना होगा 60, आई बात समझ में, तो हम यहां पे जो वैल्यू रखेंगे वो 30 ना रखें, हम क्या रखेंगे यहां पे रखेंगे 60, तो यहां पे आएगा क्या 60 डिग्री, अब ये सही होगा, अरे बात समझ में, तो ये चीज ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रख लूंगा मैं यहां पे 5×10^5, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, और अब बात करते हैं रेडियस, रेडियस क्या है मेरे पास में, रेडियस है 5, तो 5×10^5 इसको तो अलग कर देता हूं मैं, 5×10^-2 होल स्क्वायर, ठीक। अब cos 60, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2,
बस इसको सॉल्व करना है आंसर, ठीक है। इसका आंसर आएगा लगभग 1.96 × 10^3, ठीक है, और वोल्ट इंटू मीटर, तो यूनिट इसकी वोल्ट पर मीटर दे देते हैं, इसलिए क्या निकल के आएगी फ्लक्स की वोल्ट इंटू मीटर। सो ये अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपने 30 लिखा क्वेश्चन गलत, क्लियर इसका आंसर। अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें जो है वो सरफेस एरिया में से बिल्कुल हमें वो प्लेन दिख रहा था। अब मान लो कि जरूरी थोड़ी है कि हर समय आपको जो प्लेन है, जो एरिया है, वो आपको क्या मिले, प्लेन दिखे, है ना, प्लेन सरफेस मिले। मान लो कुछ इस तरीके से सरफेस है। अब यहाँ पर हमें जो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये मेरे पास में जो है वो कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से निकल रही है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ एरिया अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सभी जगह अलग अलग एरिया है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकाला तो मैं क्या करूंगा, सभी छोटे छोटे क्या करूंगा, मैं इसको एरिया में तोड़ दू, एरिया वेक्टर में तोड़ दू, और फिर क्या करूं, उन सभी से निकलने वाले फ्लक्स को ऐड कर दू, और ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनके जो है वो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट काट दिए, ये डीए, ये डीए, ये वाला डीए, ये डीए, ठीक है, ये मैंने निकाल लिए। अब देखो अगर मैं पूछूं इस जगह पे इलेक्ट जो इसके एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, अरे बात समझ में, यहाँ बात करूंगा तो इस एरिया की जस्ट परपेंडिकुलर, यहाँ बात करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ बात करूंगा तो परपेंडिकुलर, क्लियर। मैंने पहले बताया था हमेशा आपको जो एरिया की डायरेक्शन बनानी है प्लेन सरफेस के क्या बनानी है, परपेंडिकुलर बनानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटे छोटे एरिया जैसे तोड़ दिए, क्योंकि बिकॉज ये मेरे पास में जो है वो अनसिमेट्रिकल शेप है, तो इसका डायरेक्टली हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं सकते। हम क्या करेंगे, इसके एरिया को छोटे छोटे भागों में हम जो है वो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका हर एक एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को हम निकाल के उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, हर एक एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने का काम करेगा कौन, इंटीग्रेशन, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहां एंगल ये थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा, यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, ठीक है। और जो टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगा वो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ये सर्कल लिखा है ना आपको इंटीग्रेशन के बीच में, इसका मीनिंग होता है क्लोज सरफेस, ठीक है, ई डॉट डी जे। अरे बात समझ में, अगर सभी जगह एक जैसा होता तो यूनिफॉर्म होता तो हम क्या करते हैं, ई डॉट ए, ये तो हमने पढ़ा ही है ई डॉट ए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अनसिमेट्रिक है, तो हम जो है क्या करेंगे, सभी छोटे छोटे एरिया के कारण जो फ्लक्स होगा उनके कारण हम सभी फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एंटरिंग जो फ्लक्स होगा किसी भी बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी में जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और जो लिविंग फ्लक्स होता है, जो निकल रहा है फ्लक्स, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझो इसको कैसे, देखो यहां एंगल कितना है, 90 से ज्यादा है ना। अच्छा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको ये तो पता चला कि देखो एंगल बढ़ रहा है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान से देख लो इसको, आप एंगल बढ़ा रहे हो, वैल्यू कम हो रही है कॉस की, तो इसका मतलब अगर 90 से जैसे आप ज्यादा जाओगे तो वैल्यू क्या निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, आप कुछ सोच के बताइए, कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखो कि कॉस 180 की वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ही एंगल 90 से ज्यादा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आएगा, निगेटिव निकल के आएगा, और यहाँ देखो एंगल क्या है, 90 से कम है, तो यहाँ जो लिविंग फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस चीज का आप दिमाग में रखना, एंटरिंग फ्लक्स को आपको निगेटिव लेना है, लिविंग फ्लक्स को आपको पॉजिटिव लेना है, क्लियर है, फटाफट इस चीज को नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक और एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के अलोंग क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ, इधर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Determine total electric flux through the cylinder. अब आपको total electric flux निकालना है कि cylinder से कितना है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि cylinder के कितने surface होते हैं, 3 surface होते हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास है ये वाला surface,
एक ये वाला सरफेस, एक वो सर्कुलर सरफेस और एक कौन सा कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं इस सरफेस के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं इस पूरे ही सिलेंडर से फ्लक्स पूछूं तो आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई डॉट डी। अरे बस तीन सरफेस है ना मेरे पास में, एक होगा डायरेक्ट निकालेगा ई डॉट डी, तीन सरफेस एकदम से क्या करना पड़ेगा, तीनों सरफेस के कारण इस सरफेस को मैं S1 दे देता हूँ, इस सरफेस को S2 दे देता हूँ और ये वाले सरफेस को S3 दे देता हूँ। तो तीनों ही सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को हम सम करेंगे यानी उनको ऐड करेंगे और हमारे पास में क्या रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस 2 ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस 3 ई डॉट डी, ठीक है। तीनों सरफेस बना दिए, अब बात करते हैं इनके बीच के एंगल की। तो सबसे पहले इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन की बात करूंगा तो इसके जस्ट क्या होगी परपेंडिकुलर इस तरफ, ये है मेरे पास में एरिया की डायरेक्शन। यहां बात करूंगा एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी ये डी, और इस सरफेस की बात करूंगा तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इस तरफ ये डी। आ रही है बात समझ में, हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये देख लो ठीक। अब यहां बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या जो है वो एंगल है। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ, तो एंगल कितना बना इनके बीच में देखो आप 180 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां एंगल कितना है 180 डिग्री इसके इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया की भी डायरेक्शन इधर, तो यहां एंगल कितना है 0 डिग्री। याद रखें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, तो देखो यहां एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां थीटा कितना है 90 डिग्री, क्लियर। तो यहां आ जाता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई डी ए कॉस फर्स्ट सरफेस की बात करें तो 180 प्लस ई डी ए सेकेंड सरफेस की बात करें तो कॉस 0 प्लस थर्ड सरफेस के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई डी ए कॉस 90। तो देखो आपको पता है कि cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो मेरे पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहां पे यहां आ जाता है cos 180 कितना होता है, मैंने अभी लिखवाया वहां पे देखो कितना -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस को मैं बाहर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ और सिर्फ dA का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा dA का इंटीग्रेशन होगा। यहां पे भी देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है और यहाँ पे हमने E को बाहर रखा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और ये डी। अब आप बताओ डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, A हो जाएगा ना, सीधी सी बात है यहाँ पे, तो ई ए फिर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A, जैसे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन X, डी टी का इंटीग्रेशन T, डी वाई का इंटीग्रेशन Y, तो इसी तरीके से देखो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा A होगा यहाँ पे भी, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो टोटल फ्लक्स क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना है 0 है। आगे बात समझ में, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की क्लास में बस इतना ही, आया आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ को, जो हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का नाम भी यही है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।